हेलो एवरीवन वेलकम टू अड्डा टी फोर मैथमेटिक्स मेंटर तो बच्चों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर थर्टीन जो कि है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में हम सारे कॉन्सेप्ट्स करने के बाद अब अब कवर कर रहे हैं हमारे एनसीआर टी की एक्सरसाइजेज एनसीआर टी की एक्सरसाइज हमने थर्टीन पॉइंट वन कवर कर ली थी थर्टीन पॉइंट वन वॉज ओल अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक है ये हमने कवर की पिछली क्लास में सारे क्वेश्चंस देखे देखा हमने कितना इजी हो जाता है आज हम करने वाले हैं आपके एनसीआरटी के एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू ये हमारी बेस्ड है इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले कंसेप्ट तो आपको पता है मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम ढेर सारे आज क्वेश्चन कवर करने वाले हैं तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो जब आपको गिवन है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी बेटा इंडिपेंडेंट हैं दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है हमारे पास 3/5 डायरेक्ट अप्लीकेशन हमारे आंसर, आंसर फटाफट से आ जाएंगे क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है टू कार्ड आर ड्रोन एट रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट दो कार्ड को आप विदाउट रिप्लेसमेंट फिफ्टी टू कार्ड इसके से निकाल रहे हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक आपको प्रोबेबिलिटी बतानी दोनों के दोनों ब्लैक हैं तो बच्चों भी बता चुका हूं टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल ब्लैक कार्ड है आपके पास 26 ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक पहला ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों ये 26 में से कोई भी एक कार्ड आ जाए अपोन टोटल कार्ड है फिफ्टी टू यह प्रोबेबिलिटी आपकी हो रही है तो ब्लैक मतलब कितने बचे ट्वेंटी फाइव बचे तो ट्वेंटी फाइव अपोन फिफ्टी वन ये हो जाएगी अब ये देखो अब ये कह रहा है दोनों ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक मतलब ये दोनों इवेंट बेटा इंडिपेंडेंट हैं, राइट पहला ब्लैक आ गया दूसरा ब्लैक आ गया ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बोथ ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड ब्लैक मतलब वन अपॉन टू इंटू ट्वेंटी फाइव फिफ्टी वन यहां से आ गया आपका ट्वेंटी फाइव वन जीरो टू क्लियर है ये ट्वेंटी फाइव वन जीरो टू आपका आंसर हो गया भाई पर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं और दोनों के मतलब दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ का मतलब अगर इसको फर्स्ट को ए बोलो इसको बी बोलो तो दोनों ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी मतलब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाल ली थी बी हमने निकाल ली थी इनको मल्टीप्लाई किया मेरा आंसर आ गया वेरी सिंपल नेक्स्ट देखो अब बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाई एग्जामिन करने के लिए ऑरेंज उठाते हैं हम उसको इंस्पेक्ट किया साइड में रख दी दूसरी उठाई इसको इंस्पेक्ट किया साइड में रख दी तीसरी निकाली इंस्पेक्ट किया साइड में रख दी तो अगर ऑल थ्री ओरेंजेस आर गुड अगर ये तीनों की तीनों अच्छी आ जाती हैं, तो बॉक्स को हम अप्रूव कर देते कि इस बॉक्स को हम बेच सकते हैं ठीक है वो तीन अच्छी निकाली आपने अच्छा चलो ये बॉक्स अच्छा है उसको हम बेच देते Find the probability of box containing oranges. Oranges हैं ऑफ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंजेस एक बॉक्स में पंद्रह ऑरेंजेस हैं ट्वेल्व गुड थ्री बैड ठीक है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने क्या प्रोबेबिलिटी है ये अप्रूव हो जाएगा बच्चों ठीक है तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ऑरेंज एज गुड पहली गुड़ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा गुड है ट्वेल्व तो ये ट्वेल्व अपॉन टोटल है 15, राइट ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई अब बेटा सेकंड गुड आने की बिना रिप्लेसमेंट के पहली गुड आई मैंने देख के साइड में रख दी बॉक्स में बची फोर्टीन ऑरेंजेस और पहली गुड़ आ गई थी तो गुड़ कितनी बची इलेवन तो इलेवन अपॉन फोर्टीन ठीक है, फिर मेरे थर्ड गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है थर्ड गुड आने की प्रोबेबिलिटी अब बेचार दूसरी भी गुड आ गई मैंने साइड में रख दी बॉक्स में बची थर्टीन गुड बची टेन तो अपॉन थर्टीन ठीक है अब ये कह रहा है कि बॉक्स को अप्रूव करना है सेल के लिए मतलब तीनों गुड एक, एक साथ आई हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल थ्री गुड तीनों की तीनों ओरेंजेस हमारी अच्छी आई हूं मतलब क्या कह रहा है इसका इंटरसेक्शन इन इनटू इसका इंटरसेक्शन इस तीनों का इंटरसेक्शन और इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में तीनों की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ़ गेटिंग फर्स्ट गुड मतलब 12 बाई फिफ्टी इन टू इलेवन बाई फोरटीन इंटू टेन बाय थर्टीन फाइव टू जा थ्री फोर जा टू टू जा टू सेवन जा मतलब फोर्टी फोर अपॉन नाइनटी वन आपका आंसर आ गया क्लियर है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व टोस्ट। an एक कोइन लिया है और एक डाई को फेंका है तो अब सैंपल स्पेस देख लो क्या बनेगा कि भाई कोइन के बाद को के पास हेड आ जाए हेड के बाद वन आ सकता है हेड के बाद टू आ सकता है हेड के बाद थ्री फोर और हेड के बाद सिक्स ये छह आउटकम हो गए दूसरा केस क्या हो जाए टेल के बाद वन आ जाए टेल के बाद टू आ जाए ऐसा करके टेल के बाद सिक्स आ जाए ये टोटल ट्वेल्व आउटकम्स हो गए राइट ये ट्वेल्व आउटकम्स हो गए आपके पास ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कोइन ए में कह रहा है हेड है आ जाए कॉइन पर मतलब हेड के बाद वन आ जाए हेड के बाद टू आ जाए और हेड के बाद सिक्स आ जाए ये आउटकम हो सकते हैं राइट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया आपके पास सिक्स अपॉन टोटल ट्वेल्व है मतलब अपॉन ये आ गया नेक्स्ट बी द इवेंट थ्री ऑन द डाई बी कह रहा है कि थ्री आए डाई पर तो बेटा हेड के बाद भी थ्री आ सकता है और टेल के बाद भी थ्री आ सकता है ये दो ही आउटकम होंगे डाई पर थ्री आने के तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा तो ये आएगी टू अपॉन ट्वेल्व मतलब आ गई आपके पास वन अपॉन सिक्स कह रहा है ये बताओ कि ये इंडिपेंडेंट हैं क्या अच्छा इंडिपेंडेंट बताने तो ए इंटरसेक्शन बी निकालू ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो बेटा ओनली एक चीज आएगी हेड और थ्री भाई ए में सारे हेड वाले थे हेड और थ्री वाला इवेंट आ जाएगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई हमारी वन अपॉइंट ट्वेल्व अब इंडिपेंडेंट होने के लिए इसको इक्वल होना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे तो क्या आएगी वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन सिक्स मतलब वन अपॉन टन अपॉन ट्वेल्व आ गई ये दोनों को ऑब्जर्व करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के यस दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट हां जी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं ठीक है इस तरीके से आपको बताना है कोई भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है नेक्स्ट पर चलते हैं अ इन रेड रेड एक है है उस पे one, two, और बेटा में लिखा फोर फाइव सिक्स ग्रीन में लिखा है ठीक है थीके? इसको टोस किया अब सैंपल स्पेस में तो क्या आएगा वन आ सकता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स कलर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा सैंपल स्पेस में तो यही आ सकता है छ आउटकम हो सकते हैं ठीक है इवेंट है नंबर इज इवन। ए पर कह रहा है कि इवन आए मतलब टू फोर और सिक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई आपकी थ्री अपॉन सिक्स टू क्लियर बी इवेंट कह रहा है कि द नंबर इज रेड बी इवेंट क्या है नंबर रेड रेड में क्या क्या आ सकता है बेटा वन टू और थ्री यही तो है रेड वाले यही है रेड वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या हो गई थ्री अपॉन सिक्स मतलब वन बाई टू अब ए इंटरसेक्शन बी देखें ए इंटरसेक्शन बी देखें मतलब रेड भी हो और इवन भी हो ए की केस है टू वाला यही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई वन अपॉन सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई मेरी वन अपॉन सिक्स अच्छा अब मैं देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करूं यहां पर क्या है वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू मतलब आ गई वन अपॉन फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नहीं आई दिस इज नोट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिलिटी ऑफ बी तो यह क्या बोलूंगा इंडिपेंडेंट नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं आई तो ये बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं बेटा नेक्स्ट देखो लेट ई एंड

नोट इंडिपेंडेंट कि यह इवेंट्स बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा क्लियर नेक्स्ट गीवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस फाइंड पी इफ दे आर पहला पार्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अगर ए एंड बी ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के, के केस में क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी होगा फाइव कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता और बी डिसज्वाइंट होंगे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गई जीरो ठीक है अच्छा अब आपको कह रहा है पी की वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्योंकि माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन भी हो तो जीरो ये केवल यही बचती है तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपको दी है थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है आपको पी पी की वैल्यू बतानी है यहां से पी क्या आएगा थ्री अपॉइन फाइव माइनस वन टू लेंगे तो टेन सिक्स माइनस फाइव वन अपॉन टेन p की वैल्यू आ गई बेटा वन अपॉन टेन क्लियर p की वैल्यू मेरी आ गई है दूसरा केस क्या कह रहा है वो इंडिपेंडेंट है कि जो इंडिपेंडेंट सेकेंड केस में बच्चों ये कह रहा है कि A और इंडिपेंडेंट की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके बराबर है अच्छा अब मैं इसमें रखना शुरू करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह ये लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए यूनियन बी की दी हुई है आपको थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी है बेटा वन अपॉइन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है आपको पी माइनस Of A, आ गया, अच्छा, से वन बाई टू गया तो ये तो आ गई वन बाई टेन इक्वल टू पी बाई टू एम्प्लाई पी इक्वल टू टू बाई टेन मतलब पी इक्वल टू वन अपॉन फाइव इस केस में पी की वैल्यू आ गई वन अपॉन फाइव डायरेक्ट है एकदम सिंपल है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो लेट ए एंड बी बी द इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी आपको इंडिपेंडेंट दे दिए हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पहले ही दिया पहला कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो अब बेटा इंडिपेंडेंट तो गिवन है तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एम्प्लाई क्या करेगा ए की जगह जीरो पॉइंट थ्री बी की जगह जीरो पॉइंट फोर ठीक है 0.3 0.4 क्या आ जाएगा 0.12 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गया दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो ए यूनियन बी निकालने जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तीनों की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 0.12 इसको कैलकुलेट कर लेना आपका आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन क्या आएगा जीरो पॉइंट सेवन माइनस जीरो पॉइंट करेगा जीरो पॉइंट फाइव एट ठीक है बच्चे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो पॉइंट वन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी जीरो पॉइंट फोर यहां से आ गया जीरो राइट फोर्थ पार्ट में कह रहा है निकालो. क्या होगी? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट वन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी जीरो पॉइंट थ्री यहां से आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर आपके आंसर हो गए एकदम सिंपल है बच्चों एक मिनट से भी कम में आपके क्वेश्चन लिख के सोल्व हो जा रहे मैं सब कुछ लिख रहा हूं तो भी एक मिनट से कम लग रहा है फटाफट प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग है बच्चों घबराते वो लोग हैं जो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दी आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी निकालो बच्चों ध्यान से समझना प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड यहां पर ये एंड बोल रहा है नोट बी मतलब आपको क्या कह रहा है आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो ए नोट ए का मतलब हुआ ए कॉम्प्लीमेंट एंड का मतलब हुआ इंटरसेक्शन नोट बी का मतलब हुआ बी इंटरसेक्शन ठीक है अच्छा अब बच्चों दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहला तरीका सुनो इंडिपेंडेंट के केस में भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, वन बाई एट तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करूं तो यहां से क्या आ जाएगा वन बाई फोर वन बाई टू, मतलब वन बाई एट। तो यहां से मेरा आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और बेटा जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो तुम्हें ऑलरेडी रिजल्ट प्रूव कराया था कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होते हैं इंडिपेंडेंट ठीक है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट तो ये इंडिपेंडेंट हैं ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों ये इंप्लाई करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए है 1 1 1 1 1 1 1 से आ गया थ्री बाई एट आपका आंसर आ गया दूसरा तरीका देखो बेटा एक तो यह तरीका बता दिया मैंने तुम्हें अब यह देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इधर ध्यान देना यह कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकता हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यह क्या होती है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ए यूनियन बी की आपको निकाल सकते हो यहां से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब वन बाई फोर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन बाई टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वन अपॉन एट एट एल्सियम आ गया टू प्लस फोर माइनस वन यहां से क्या 4 2, 6, आ, आ जाएगा फोर टू सिक्स फाइव बाई एट फाइव बाई एट आ गई इसमें रखो वन माइनस फाइव बाई एट यहां से आ जाएगी आपकी थ्री बाई एट आ गए दूसरे तरीके से इन दोनों तरीके से दो तरीके हैं बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दोनों के दोनों आपको बता दिए हैं एकदम सिंपल है बोलो भाई ए और बी जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये ऑलरेडी मैं प्रूव करवा चुका हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंट्रू बी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे अगर ज्यादा मार्क्स में आए तो उस रिजल्ट को यहां पे प्रूव भी कर देना ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा इस मेथड से कर लेना इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है नेक्स्ट देखो इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दी बी दे दी नोट ए और नोट बी दे दी अब कह रहे वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नोट तो बेटा ये क्या कह रहे हैं नोट ए और नोट बी नोट ए और है बेटा इस बार नोट बी मतलब आपको क्या दे रहा है नोट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और का मतलब होता है यूनियन नोट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट आपको दे दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है बच्चों इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ ये बताओ अब मुझे तुम ठीक है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी तो इसको क्या करोगे तुम अब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है इसको मैं ये लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बेटा इसकी प्रोपर तुम्हें ये दिया वन बाई फोर वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये तुम्हारे पास है वन बाई फोर यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या वन माइनस वन बाई फोर मतलब थ्री बाई फोर यह आ गई ठीक है अब तुम्हें बताने इंडिपेंडेंट है, है कि नहीं है ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बाई टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेवन बाई ट्वेल्व यहां से आ गई सेवन बाई ट्वेंटी फोर इक्वल आए क्या नहीं आई इक्वल इक्वल नहीं आई तो बेटा नॉट इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे क्लियर है बात एकदम सिंपल बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको ए और बी जो है इंडिपेंडेंट गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी पहले पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ए एंड बी का मतलब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 0.3 पॉइंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट वन एट आ गई ठीक है भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं नेक्स्ट देखो क्या कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नोट बी क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नोट बी नोट बी का मतलब बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन नोट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट अच्छा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी तुम्हें निकालने को बोल रहा है यहां पर ध्यान से देखना वेन डायग्राम में शो करता हूं ए ये ए है ये अगर बी है तो केवल ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये क्या है बच्चे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में से ये इंटरसेक्शन बी वाली चीज घटा रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया ठीक है या फिर यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई तुम्हारे पास जीरो पॉइंट थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गई जीरो पॉइंट वन एट तो यहां से तुम्हारे पास आ गया जीरो पॉइंट वन टू क्लियर ठीक है दूसरा तरीका तुम क्या कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब जीरो पॉइंट सिक्स मतलब जीरो पॉइंट फोर और ए और बी कॉम्प्लीमेंट ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तुम्हें मैं करा चुका हूं कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो पॉइंट थ्री इंटू प्रोबेटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जीरो पॉइंट फोर ठीक है यहां से आ गया जीरो पॉइंट वन टू दो तरीके बेटा दोनों से तुम्हें आंसर निकालना सिखा दिया है क्लियर थर्ड देखो थर्ड कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एर बी एर बी और का मतलब बच्चे यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहे ए यूनियन बी क्या होती है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये वैल्यूज रखना ए की आई जीरो पॉइंट थ्री प्लस बी की आई जीरो पॉइंट सिक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी जीरो पॉइंट वन एट यहां से आ गई आपके पास जीरो पॉइंट सेवन टू क्लियर, एकदम सीधा नेक्स्ट नीदर ए नोर बी ना ही ए ना ही बी मतलब आपको क्या कह रहा है बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नीदर ए नोर बी तो इंटरसेक्शन है बच्चे और ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसके भी फिर से दो तरीके हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब जीरो पॉइंट सेवन जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जीरो पॉइंट फोर यहां से आ गई आपके पास जीरो पॉइंट टू एट दूसरा तरीका क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसको लिख सकता हूं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन माइनसिटी दो दो तरीकों से आंसर निकालना सिखाते जा रहा हूं कंसेप्ट सिखाना है यहां पर मैं इसलिए दो दो तरीकों से बता रहा हूं ठीक है दो तरीकों से तुम्हें आंसर नहीं निकालने, बट दोनों कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाने चाहिए राइट right. नेक्स्ट देखते हैं अ डाइज टोस थ्राइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड ओड नंबर एट लीस्ट वंस एक डाई को तीन बार फेंका बेटा ये कह रहा है कि ओड नंबर एट लीस्ट एक बार आ जाए तो ध्यान से सुनो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड एक थ्रो में ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा भाई ओड क्या क्या है तुम्हारे पास वन थ्री फाइव तो थ्री अपॉइंट सिक्स टू है ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ये प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा वन अपॉइंट टू ही आएगी तुम्हारे पास टू फोर सिक्स में से कुछ भी आ जाए अब ये कह रहा है ओड नंबर एटलीस्ट तो बहुत सारे केसेस हैं तो मैं कुछ उल्टा काम करता हूं मैं क्या कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वंस ओड एटलीस्ट वंस ओड आने को मैं क्या कह सकता हूं वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल थ्री इवन ऑल इवन तीनों के तीनों इवन आ जाए उस प्रोबेबिलिटी को घटा दो बाकी केस में तो एटलीस्ट वन ओड वन ओड टू ओड थ्री ओड वाला केस आ जाएगा Osionfish. और तीनों के तीनों इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन थ्री टाइम्स तीनों बार उड़ाने की तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू ये होगी वन बाई एट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन हर बार इवन आए वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बाई एट तो वन माइनस वन बाई एट यहां से क्या आ जाएगा सेवन बाई एट तो सेवन आठ में से सात बार में तुम्हारे पास बेटा क्या होगा कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जो है ये आ जाएगी एटलीस्ट वन सोड की एक ही केस है तुम्हारे पास कि तीनों के तीनों इवन आ जाए उसके अलावा हर एक केस में एटलीस्ट वन ओड होगा डायरेक्ट लॉजिक से भी तुम इसको कर सकते हो ठीक है क्लियर है नेक्स्ट टू बॉल्स आर ड्रोन एट रेंडम विद रिप्लेसमेंट बेटा क्या कह रहा है विद रिप्लेसमेंट कि आप बार बार रिप्लेसमेंट कर रहे हो ठीक है फ्रोमा बॉक्स कंटेनिंग टेन ब्लैक एंड एट रेड बॉल्स तो पहले मैं ऐसे निकाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी टेन अपॉन एटीन ठीक है आपने क्या करा बेटा कि ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली क्लियर भाई मैं पहली बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट गेटिंग ब्लैक मैंने टेन बाई एटीन निकाल ली प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक आने की या सेकंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसको ऐसे लिखने की बजाय तुम ऐसे कर लो प्रोबेबिलिटी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी टेन बाई एटीन और प्रोबेबिलिटी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे एट बाई एटीन ये है तुम्हारे पास अब कह रहा है दोनों रेड आ जाए पहली भी रेड आए फर्स्ट रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ठीक है इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हम क्या करेंगे दोनों रेड पहली रेड एट बाई एटीन विद रिप्लेसमेंट काम चल रहा है तो दूसरी बार भी तो एट बाई एटीन होगी आपने रेड देख के वापस रख दी अब फिर से उसमें अठारह बोले फिर से आठ रेड है तो एट बाई एटीन इंटू एट बाई एटीन तो क्या आएगा टू नाइन जा सॉरी टू फोर जा और टू नाइन जा मतलब टू फोर जा टू नाइन जा सिक्सटीन अपॉन एटी वन सेकेंड पहली ब्लैक दूसरी रेड सेकेंड में कह रहा है फर्स्ट ब्लैक और फिर दूसरी रेड सेकेंड रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है तो डायरेक्टी मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट ब्लैक आने की टेन बाई एटीन इन टू सेकेंड रेड आने की बेटा क्या है एट बाई एटीन टू फाइव जा टू नाइन जा टू फोर जा टू नाइन जा ट्वेंटी अपॉन एटी वन ये आ गई वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड तो दो केस हो सकते हैं बेटा इस पर ध्यान देना दो केस हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी पहली ब्लैक आए फर्स्ट ब्लैक सेकेंड रेड या फिर और क्या हो पहली रेड आए फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक आए और और के केस में बेटा प्लस होता है पहली रेड इन, पहली ब्लैक इंटू सेकेंड रेड तो पहली ब्लैक टेन बाई एटीन दूसरी रेड एट बाई एटीन प्लस प्लस होगा इस बार पहली रेड एट बाई एटीन ठीक है सेकंड ब्लैक टेन बाई एटीन यहां से क्या आ गया टेन बाई एटीन इंटू एट बाई एटीन हमने निकाली रखा ट्वेंटी बाई एटी वन यहां से आंसर आ गया आपका फोर्टी बाई एटी वन क्लियर है फोर्टी बाय एटी वन आपका आंसर हो गया सिंपल नेक्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी एक कोई क्वेश्चन है ए सोल्व कर दे उसकी प्रोबेबिलिटी है ए सोल्व कर दे उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बी कर दे उसकी ठीक है इफ बोथ ट्राई टू द प्रॉब्लम दोनों कोशिश कर रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व चाहे ए ने करियो चाहे बी ने करियो दोनों ने करियो प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो मतलब आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने को बोल रहा है ठीक है ए यूनियन बी निकालने को बोल रहा है मतलब आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी 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 ऑफ़ 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 ए ए ए प्लस बी 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 माइनस इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन अब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो को क्या लिख दूं मैं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ऑफ़ ए ए प्लस बी इंटरसेक्शन गया सिक्स थ्री प्लस टू माइनस वन सिक्स एल्शियम आया थ्री प्लस टू माइनस वन फाइव माइनस वन फोर अपॉन सिक्स मतलब टू अपॉन थ्री आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी कि चाहे एक सोल्व करे चाहे दूसरा सोल्व करे चाहे दोनों सोल्व कर दे प्रोबेबिलिटी उस केस में आ गई टू बाई थ्री की प्रॉब्लम हमारी हो गई है सोल्व नेक्स्ट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम एग्जैक्टली एक करे सोल्व बेटा तो क्या केस होगा या तो ए करे और बी ना करे ए करे लेकिन बी ना करे ठीक है और बी करे ए ना करे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कि ए ना करे बी करे ए करे तो बी ना करे और बेटा ए ना करे तो बी कर दे ये केस हो गया ए और बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट है और बी ये दोनों आपस में क्या इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कॉम्प्लीमेंट और की जगह पे होता है प्लस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां से क्या आ जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू बी कॉम्प्लीमेंट की क्या हो जाएगी बच्चे वन माइनस वन बाई थ्री मतलब टू बाई थ्री और ए कॉम्प्लीमेंट वन माइनस हाफ ये तो हाफ ही आएगी ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बाई टू बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया टू बाई थ्री प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वन बाई टू बी की बेटा वन बाई थ्री क्या आ गया यहां से वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स सिक्स एलसीएम टू प्लस वन थ्री यहां से आ गई प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ क्लियर है इंडिपेंडेंट इवेंट का केस लगा लो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे इस बार दूसरे तरीके से सोल्व करके मेरे को बताना तुम हुआ कि नहीं हुआ नेक्स्ट वन कार्ड इज एट फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल कार्ड एक कार्ड कोई भी निकाला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ई एंड एफ इंडिपेंडेंट आपको बताना है ई और एफ कब इंडिपेंडेंट है तो आपको यह चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कि नहीं है पहले पार्ट में देखते हैं इवेंट कह रहा है फर्स्ट कार्ड ई कार्ड ड्रॉ इज अ स्पेड तो बेटा स्पेड कितने होते हैं 13 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 13 अपॉन 52 ठीक है एफ कह रहा है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ लिखा तो ई और एफ लिखना है बेटा यहां पर ऐसे ठीक है मैंने जल्दी में ए और बी लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा कार्ड ड्रोन इज एन ऐस एस कितने होते हैं टोटल फोर तो फोर अपॉन फिफ्टी टू ठीक है ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया स्पेड का एस स्पेड का एस तो इकलौता ही है वन तो वन अपॉन फिफ्टी टू अब चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करा ये आ गया वन अपॉन फोर इंटू वन अपॉन थर्टीन आ गया वन अपॉन फिफ्टी टू इंडिपेंडेंट है भाई बिल्कुल इंडिपेंडेंट है सेकेंड केस द कार्ड ड्रोन इज ब्लैक ब्लैक कार्ड कितने होते हैं ट्वेंटी सिक्स अपॉन फिफ्टी टू आ गई वन बाई टू कार्ड ड्रोन इज अ किंग किंग कितने हैं बेटा चार तो फोर अपॉन फिफ्टी टू यहां से आ गया वन अपॉन थर्टीन ई इंटरसेक्शन है ब्लैक के किंग दो ब्लैक किंग है बेटा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया अपॉन फिफ्टी टू मतलब 1 upon 26. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करके देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करा वन अपॉइंट टू इंटून 26 ट्वेंटी आ गई इंडिपेंडेंट yes, right? है ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चे कि कार्ड ड्रोन इज अ किंग और क्वीन या तो किंग है या क्वीन है ठीक है थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या किंग या क्वीन चार किंग है चार क्वीन है प्रोबेबिलिटी हुई एट अपॉन फिफ्टी टू मतलब यहां से फोर टू जाए एट और फोर टू बाय थर्टीन राइट एफ क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कि या तो क्वीन है या जैक है क्वीन आपकी कितनी हुई बेटा क्वीन भी चार जैक भी चार तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी आ गई एट अपॉन फिफ्टी टू मतलब टू बाय थर्टीन अब बेटा इनका इंटरसेक्शन क्या है बताओ इनका इंटरसेक्शन देखोगे ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन में आ रही है ओनली क्वीन यहां भी क्वीन है यहां भी क्वीन है क्वीन है चार आपके पास तो फोर अपॉन फिफ्टी टू मतलब वन अपॉन थर्टीन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करोगे ये 4/13 आएगी नॉट इंडिपेंडेंट इक्वल नहीं आई बेटा ठीक है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किया वो आ गया आपका 4/ 2/13 2/13 4/169 ठीक है ये इक्वल नहीं आई तो बेटा नॉट इंडिपेंडेंट आ गया इस केस में नेक्स्ट होस्टल सिक्सटी परसेंट ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूजपेपर तो हिंदी वाले की प्रोबेबिलिटी है अपॉन अपॉन मतलब 6 10. मैं इतना ही लिख रहा हूं और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं इसको इंग्लिश रीड करते हैं इंग्लिश वाले की प्रोबेबिलिटी है फोर्टी अपॉन हंड्रेड मतलब फोर अपॉन टेन ट्वेंटी परसेंट रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ठीक है तो ई हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश ये कितने ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड मतलब टू अपॉन टेन ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं कैलकुलेशन आसान हो जाती है अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रेंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नीदर हिंदी नोर इंग्लिश ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश मतलब आपको निकालना है हिंदी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट इसको डायरेक्ट कर दूं ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे या फिर आप ऐसे कर लो भाई इसको प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हो हिंदी यूनियन इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट मतलब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश और एच यूनियन ई की प्रोबेबिलिटी निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच सिक्स अपॉन टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर अपॉन टेन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनका इंटरसेक्शन टू अपॉइन टेन यहां से आ गई आपकी एट अपॉन टेन वन माइनस एट अपॉन टेन टू अपॉन टेन वन अपॉन फाइव आ गई क्लियर ये तुम्हारी वन अपॉइन फाइव आ गई बच्चे नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है इफ सी रीड हिंदी न्यूज पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज पेपर तो आपको क्या कह रहा है कि गिवन है कि हिंदी तो पढ़ती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एच निकालनी है आपको निकालने की इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि वो हिंदी पढ़ती है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ई इंटरसेक्शन एच आपका टू 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी सिक्स अपॉन टेन टू अपॉन सिक्स वन बाई थ्री क्लियर नेक्स्ट देख लो बेटा क्या कह रहा है कि इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड हिंदी हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन वो इंग्लिश पढ़ती है एच अपॉन ई निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ई ई ई इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एच एच अपॉन अपॉन प्रोबेबिलिटी टेन इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी फोर अपॉन टेन तो यहां से आगे टू बाई फोर मतलब वन बाई टू राइट एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑपटेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डर ऑफ डाई रोल्ड बेटा दो डाई फेंके टोटल आउटकम थर्टी सिक्स पहली बात टोटल आउटकम हो गए थर्टी सिक्स इवन प्राइम ऑन ईच नंबर इवन प्राइम एक ही है इवन प्राइम है आपका टू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टू ये कि दो दो आ जाए एक ही इवेंट है वन अपन थर्टी सिक्स डी ऑप्शन थर्टी सिक्स डी ऑप्शन हो गया क्लियर है नेक्स्ट टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट कब होंगे तो पहला इवेंट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इस केस में चेक कर लेते हैं भाई ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाइव है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है जीरो अब तुम ऐसा कोई भी केस ले लो जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हारा कुछ भी आ रहा हो जैसे कि देखो एग्जाम्पल से बता देता हूं कि ए ऑप्शन कैसे गलत है सैम्पल स्पेस लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए इवेंट इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वन बाई टू है। बी इवेंट ओड आने की बेटा प्रोबेबिलिटी क्या है यहां पर तुम्हारे पास वन बाई टू ठीक है ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे पास जीरो आ गई यहां पर लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करोगे वन बाई फोर तो इस केस में तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते ठीक है

मतलब क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसको क्या लिख सकते हैं माइनस इंडिपेंडेंट होंगे अगर ए बी तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं इसको बेटा ठीक है ए यूनियन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लिख सकते हैं जब तुम्हारे पास क्या हो कि ये इंडिपेंडेंट हो लेकिन हमें तो पता करना है तो अभी क्या कर रहे होंगे अपन इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्लियर अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी अब ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है तो इसको तुम क्या लिख लोगे बेटा बताओ अगर इसको मैं करूं यहां पर ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इसको अगर मैं सोल्व करूं यहां पर तो इसको लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें से कॉमन आ रहा है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है तो यहां पर अब इसको फर्दर अगर हम सोल करें ये ये वन माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया ये आएगा यहां पर एक मिनट बेटा तुम्हारा आंसर तो ये बन ही गया अब इसको ऐसे लिखो तुम वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अब इसमें से कॉमन ले लो बेटा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन लिया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ये कॉमन लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्लियर तो यहां से क्या हो गया तुम्हारे पास वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन आ गया बेटा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको लिख के ये माइनस बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कॉमन ले लो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैसे ही कॉमन लिया इंटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हम यहां पर अराइव कर गए तो इंडिपेंडेंट के केस में ये बी आंसर होगा तो मैं दोनों तरीकों से बता दिया है कि क्यों बाकी तीनों गलत हो गए और ये कैसे सही है क्लियर है ठीक है ये थी आपके एनसीआर टी की एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू तो अगली फिर थर्टीन पॉइंट थ्री करेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो थैंक यू फॉर वॉचिंग अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो जय हिंद जय भारत बेटा